गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन यूट्यूबर अंजू कुल्लस। और अभी नाइट का टाइम हो रहा है और मैं नहा के आई हूँ। इनका अपनी नींद आ रही है, कपड़े वॉश कर रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं नहा ही लेती हूँ साथ में। तो मैं बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ, मैं बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ इसका बोरो प्लस का केसर बादाम वाला, दूध केसर वाला। और मेरे पास एक और है, वो है एल्प्स गुडनेस का है, वो भी बहुत अच्छा है। अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, वो मेरे को पर्पल वालों ने भेजा है। वो अभी ये यूज़ कर रही हूँ क्रीम एल्प्स गुडनेस का, ये भी बहुत अच्छा क्रीम है। आपने लगाना है, बहुत अच्छा क्रीम है, रिजल्ट बहुत अच्छा इसका, एक दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया मुझे। ये जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट भेजे हैं ना पर्पल वालों ने, बहुत अच्छे, और इनका बहुत जल्द मैं रिव्यू देने वाली हूँ। बहुत जल्दी आप लोगों को रिव्यू आएगा इसका, 18 तारीख से पहले पहले देना है मुझे दोनों प्रोडक्ट्स के रिव्यू, दोनों जो भी भेजे उन्होंने। क्रीम कभी भी नीचे को नहीं लगानी चाहिए, पता है, ऐसे करके लगाना चाहिए। आई नो, हाँ ऐसे करके, ऐसे करके। उससे क्या होता है बता, ये जब हमारी एज ज्यादा हो जाती है ना, तो अगर हम ऐसे करके क्रीम लगाते हैं, मैंने, मेरे को नहीं पता, मैंने किसी से सुना था वो, है ना, मैंने आपको बताया था, मंजू बताती, हाँ मंजू बताती थी मेरी सिस्टर, कि अगर हम ऐसे करके क्रीम यूज करते तो ये जो हमारी ये है ना, ये चीज ऐसी हो जाती है। अगर हम ऊपर की तरफ करते तो हमारे फेस को मसाज भी हो जाता है ऐसे। तो हमेशा ही कोई भी क्रीम यूज करनी है तो ऐसे यूज करो, और मैं ऐसे ही यूज करती हूँ हमेशा ऐसे। तो ये तो कैमरा, बहुत कपड़े वॉश करने थे, बट आज मैंने ना कपड़े वॉश करते हुए वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि कपड़े बहुत थे, मुझे लगा कि कपड़े ही वॉश को, बेबी पंखा ही चला लो, गर्मी हो गई है बहुत, था ना, अब तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी। मेरे तीनों, दोनों रूम में और बाहर उसमें ड्राइंग रूम में फ़ैन चलता ही, और डुगू पे भी फ़ैन ही चला के बैठा है, और ये वाले रूम का फ़ैन कम नहीं होता है, ये वाले रूम का फ़ैन ऐसे ही रहता है। बाल आज मैंने ड्रायर नहीं, अब तो ज़रूरत ही नहीं है ड्रायर लगाने की, बालों को एकदम से खुद ही सूख जाते हैं, और मेरे तो 10 मिनट में सूख जाते हैं बाल। आपको नींद आ रही है, रात को 12 बजे मेरे हस्बैंड को क्रेविंग हो रही है, भूख लग रही है, और आज ही मैंने फालतू कोई रोटी नहीं बनाई थी, बट रायता बनाया था मैंने, सिंपल सा दही का वो है, साथ में मैं उनके लिए जो है 2 रोटी बना देती हूँ, और मैंने आटा फालतू गूंथ के रख दिया था, बट मैंने आज रोटी फालतू नहीं बनाई थी। अभी मैं उनके लिए बनाऊंगी 2 रोटी और अपने लिए 1 नमक वाला पराठा। अब हुई ना बात रोशनी, अब हुई ना रोशनी, ये हुई ना बात, किसी के लिए हर किसी के लिए। शुक्र करो मैंने आटा उठाया, बताओ लाइटर देखती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी छोटी सी शॉपिंग शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने अमेज़ोन से बाय की है अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए मैं इसीलिए शॉपिंग कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट मंथ है जो हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, तो एनिवर्सरी है कुछ तो सेलिब्रेट करूँगी, तो मैंने सोचा है कि उससे पहले ही है जो कुछ थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें मैं आप पहले से ही शॉपिंग करना शुरू कर दूँ, तो उससे रिलेटेड मैंने आज शॉपिंग की है अमेज़ोन से, जो मेरे इस बार मैंने कम की है बट बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग की है, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट मैंने अपने लिए परचेज किया है कुर्ता प्लाजो, कुर्ता पैंट सेट है जो कि बहुत ही प्यारा है, और अमेज़ोन में जितने भी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, खास करके फैशन और ब्यूटी के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मेंस कलेक्शन हो या वुमेंस कलेक्शन हो, तो फैशन में मैंने अपने लिए ख़रीदा है कुर्ता प्लाजो सेट जो कि बहुत ही प्यारा है, और बहुत अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में था, और काफ़ी अच्छा क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा था जो मेरे को रिसीव हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने फर्स्ट अपने लिए मंगवाया, इस बार मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया बट मैंने बहुत अच्छे बजट में और काफ़ी अच्छी चीज़ें मंगवाई है, तो अभी तक मैंने ये वेयर नहीं किया क्योंकि मैं सोची इसको वेयर करके मंदिर जाऊंगी, तो इसलिए मैं आपको अभी ऐसे ही दिखा रही हूँ। और ये देख सकते हो फर्स्ट जो है ये है मेरा कुर्ता, ये मेहरून कलर है, और इसका जो है यहाँ पे
नेक में ये डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन पता क्या चीज़ है, ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है और इसके अंदर से भी कपड़ा है जो कि हमें चुभे ना पहनते हो। कई चीज़ें होती हैं ना कि नेक में डिज़ाइन दे देते हैं और ये जो नेक के बैक साइड में होता है जो यहाँ पे कुछ होता नहीं, तो उसकी वजह से हमें पहनने में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो नहीं, ये इसकी 3/4 स्लीव्स है और यहाँ पे एक ऐसा लेस दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है इस कुर्ता को और बहुत प्यारा है। मैंने, मेरा साइज है डबल एक्सल, तो आप अपने हिसाब से साइज ऑर्डर करवा सकते हो। कलर देखो कितना प्यारा और कुर्ता भी बहुत प्यारा है और इसके यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं है, सिंपल है क्योंकि सारा लुक है जो हमारे नेक ने दे दिया है और जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था जब मैंने वेयर किया। वेयर करने के बाद तो ये कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। और ये जितने भी इंडो एरा के ब्रांड है ये कुर्ते प्लाजो सेट के, वो ब्रांड काफ़ी अच्छा होता है। मैंने जितने भी मंगाए ये इसी ब्रांड के मंगाए हैं ज़्यादातर। देन इसका जो पैंट है, ये इसका पैंट है, यहाँ पे ये बेल्ट दे रखी है, पीछे ये इलास्टिक दे रखा है इसमें भी और काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा साइज़ है। और इसमें एक पॉकेट भी है यहाँ पे साइड में, मेरे ख्याल से दोनों साइड पॉकेट है इसके, नहीं एक साइड पॉकेट है इसका जो कि मेरे तो काम आने वाला है पॉकेट, ये देख सकते हो आप। और इसकी लेंथ कुछ इस तरह, और यहाँ पे जो है इसमें ये थोड़ा सा वर्क दिया गया है ये पाइपिंग का, जो कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी कम्फर्टेबल भी है। और बात की जाए कपड़े की क्वालिटी की, तो ये सिल्क मटेरियल है जो कि बहुत अच्छा है। मेरे को ज़्यादातर कॉटन से ज़्यादा जो है मैं सिल्क की मतलब फैब्रिक पसंद करती हूँ मेरे कुर्ता पैंट सेट में या कुर्ता प्लाजो सेट पे। मैंने जितने भी मंगवाए अभी तक सिल्क मटेरियल के मंगवाए, क्योंकि सिल्क मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा पार्टी वेयर लुक देता है। तो ये था मेरा कुर्ता प्लाजो सेट और इसके साथ जो दुपट्टा मुझे मिला वो बहुत ही प्यारा, दुपट्टे की तो मैं फ़ैन हो गई। ये देखो ये इसका दुपट्टा है और इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, बट ये जो चीज़ है इसकी ये ठीक है, क्योंकि मैं दुपट्टा जो लेती हूँ हमेशा साइड में ऐसे वेयर करती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली दुपट्टा काफ़ी प्यारा है। मतलब सूट ने, पूरे जो कुर्ता सेट ने लुक लिया है तो ये दुपट्टा उसमें सबसे बेस्ट है। और इसमें इस तरह के यहाँ पे ये दे रखा है डिज़ाइन टाइप, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, बट काफ़ी अच्छा लुक देगा ये। पहनने के बाद मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरे लिए शॉपिंग थी, शायद ये मैं एनिवर्सरी वाले दिन भी पहनूँ, नहीं एनिवर्सरी वाले दिन के लिए तो सरप्राइज़ है जो मैं वेयर करूँगी। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगवाया है, हमेशा की तरह उनको जो पसंद है, उनको शूज़ बहुत पसंद है तो इसीलिए मैं उनको शूज़ के कलेक्शन देती रहती हूँ, तो उनको अपने लिए शूज़ लेना बहुत पसंद है। तो ये है शूज़, बैली वाले शूज़ है, फॉर्मल शूज़ होते हैं जो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह के पैक में था, पैकेजिंग बहुत अच्छी आई इसकी ना, ये देख सकते हो, शूज़ भी बहुत अच्छा है, ये देख सकते हो शूज़ काफ़ी प्यारा शूज़ है ये, अभी तक उन्होंने वेयर नहीं किया है और बहुत अच्छा है। क्वालिटी की बात की जाए, क्वालिटी तो नंबर वन है इस शूज़ की। तो मेरे हस्बैंड का साइज़ है 43, मीन्स 9 नंबर मेरे हस्बैंड का साइज़ है। ये थोड़ा सा पहनने में थोड़ा सा टाइट हो रहा है, बट जब ये पहनेंगे तो मे बी मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा खुल जाए। और काफ़ी अच्छा शूज़ है, क्वालिटी की बात की जाए तो बेस्ट क्वालिटी है ये इसकी, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा महंगा है बट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो अगर हम किसी चीज़ में पैसे लगाते हैं अगर वो क्वालिटी वाइज अच्छा है तो हमें बिल्कुल भी दुख नहीं लगता है। तो ऐसे ही है, दोनों शूज़ यही है और काफ़ी अच्छा शूज़ है। देन मैंने अपने लिए एक मंगवाया है हेयर ड्रायर, वेगा का हेयर ड्रायर मैंने अपने लिए परचेज किया है, क्योंकि मेरे पास था बट वो मेरे पास मेरे ख्याल से कोई कंपनी नहीं थी, वैसा ही था वो। तो ये है वेगा का हेयर ड्रायर जो मैंने अपने लिए मंगवाया है। मेरे पास हेयर स्ट्रेटनर, कलर और क्रिम्प, जो क्रिम्पिंग वाला है मशीन, वो भी वेगा का ही है। देन मैंने हेयर ड्रायर भी वेगा का ही मंगवाया है। तो आप बोलोगे कि ठंड तो चली गई, तो ज़रूर नहीं कि ठंड वो, तो ये हमें हमारे बाल सेट करता है, इसी वजह से मैंने वेगा का ड्रायर मंगवाया है। तो गाइज जितने भी मैंने प्रोडक्ट मंगवाए सबके लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तीनों के तीनों आप लोग जाके परचेज कर सकते हो, देन वहाँ पे आपको प्राइस भी पता लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और मुझे बताना ज़रूर कि मेरी शॉपिंग कैसी है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया था और मैं अपने बच्चों के फेवरेट आलू के पराठे बना रही थी, और अभी मैंने अपने हस्बैंड को उठाना था, तो मैंने अभी उठ के काम वगैरह ख़त्म करने के बाद बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा रही थी, देन उसके बाद खुद नहा के फिर मैं अपने हस्बैंड को उठाऊँगी। तो ये है कुछ डेली व्लॉग्स, नॉर्मल रूटीन्स आप लोगों के सामने जो मैं लेके आती हूँ। और अब यार अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाने में भी लोगों को ये रहता है कि तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम अपने पति के साथ ये चीज़ें करती हो। अरे यार क्या प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड है, चाहे मैं उनको ऑन कैमरा किस करूँ, चाहे मैं ऑन कैमरा उनको हग करूँ, किसी को क्या प्रॉब्लम है।
क्योंकि यार मेरे हस्बैंड है तो मैं कोई इतना वैसा जो आप लोग को लगता है वो चीज़ें हम नहीं दिखाते, हम नॉर्मली दिखाते हैं जो हमारे डेली वेज और हमारे रूटीन में होता है। तो आप लोगों का कुछ ज़्यादा कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई, ये बताना ज़रा आप लोग कौन सी दुनिया में जीते हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन यूट्यूबर अंजू गुंडलस। तो मेरे हस्बैंड उठ चुके हैं अभी गला ख़राब है मेरा क्योंकि रात को मैं बहुत लेट सोई हूँ, लगभग सुबह 4 बजे सोई हूँ मैं। तो लाइट्स ऑन किया जाए, ये देखो उठ गए। गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग। पियोगे चाय? बना लूँ? जब बोलो गुड मॉर्निंग। ये दाई। गुड मॉर्निंग। ये दाई। हेलो गाइस। ये दाई। तो मैं इनको चाय पिलाती हूँ अभी, फिर इनकी आँख खुलेगी, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है।